लोग रोहतास जिला तिलौथू प्रखंड से आए हुए हैं। हम लोग आशा हैं, हम लोग काम करते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, हर काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन किसी का भी पैसा हम लोग का नहीं मिलता है। काम पर दाम मिलता है लेकिन मानदेय एक पैसा हम लोग का नहीं। 2005 के 12 दिसंबर से हम लोग चयनित हुए हैं, आज तक हम लोग का कोई भी राशि नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्री पर खट रहे हैं, कोई मानदेय नहीं है, और काम हम लोग से जबरदस्ती करवाया जा रहा है, कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और नहीं करने पर बोलने जा रहा है कि नहीं करोगी तो हटा देंगे, अगर मानदेय के लिए कोई भी कंप्लेन करोगी तो हटा देंगे। कुछ नहीं मिलता है, और जो भी मिलता है उसमें से उन लोग को घूस भी चाहिए। जिसे हम लोग डिलीवरी कराते हैं तो डिलीवरी पर हम लोग का 600 रुपया है लेकिन 600 नहीं मिल रहा है। टीकाकरण पर हम लोग का पैसा है, उसमें भी कटौती हो रहा है, आधा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है। अभी तो अंगड़ाई है, न्यूनतम वेतन देना होगा। हम लोग बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, वो हमारे पूरे बिहार की ये समस्याएं हैं कि हमारी आशा काम करती है जितना, उनको कोई वेतन मान नहीं है, कोई मानदेय नहीं है। यदि उन्हें गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया, उन्हें प्रोत्साहन राशि मिली, यदि उन्होंने टीबी मरीजों को टीबी से मुक्त कराया तो उन्हें प्रोत्साहन राशि मिली, तो मतलब डेली के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं, और कोई उन्हें मानदेय नहीं है, और उनसे काम मतलब बहुत लिया जाता है, बहुत काम करती है हमारी आशा कार्यकर्ता। गांव में जितने भी स्वास्थ्य संबंधित कार्य हैं, जितने भी रोग मिटाने रोग मुक्त करने का काम है, सारा कार्य आशा के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का दिन पे दिन पेमेंट क्यों घट रहा है? पहले था कि कैसे डिलीवरी करावे तो 600 रुपए मिलेगा, अब है कि आयरन का गोली खिलाने पर 100 रुपया, जांच कराने पर 100 रुपया, बीसीजी दिलाने पर 300 रुपया, ऐसे करके मिलता है। तो सब जगह में सब मजदूर का मानदेय बढ़ रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ता के कोई मानदेय नहीं है, पैसा घट ही रहा है। आशा का पेट नहीं है, पेट अपना कहीं रख करके काम करती है।